थैंक्स पृथ्वी। एक्सक्यूज मी, आपकी मॉम की MRI हो चुकी है, आपको वेटिंग रूम में बुलाया है, आइए। वैसे रोशनी एक बात बताऊं, तुम्हें डॉक्टर किससे बनाया? शर्लिन, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। मैं एज ए डॉक्टर तुम्हारे साथ अच्छे से ट्रीट करना चाहती हूँ और तुम हो कि बच्चों की तरह बिहेव कर रही हो। शर्लिन, तुम पास्ट को अब तक पकड़ के बैठी, सब भूल जाओ। हम सब अपनी लाइफ में आगे निकल चुके हैं, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, तुम प्लीज कर जाओ। मैं भी मूव ऑन कर चुकी हूँ, लेकिन वो क्या है ना, पुरानी बातें कोई इतनी जल्दी से भूलता नहीं है। और जहाँ तक मुझे याद है, तुम पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी कि डॉक्टर बन पाओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन लिख रही हूँ, तुम प्लीज इन सब बातों का स्ट्रेस मत लो, सिर्फ अपने और अपने बच्चे के बारे में सोचो। जो हो गया सो हो गया, पास्ट को छोड़कर फ्यूचर के बारे में सोचो। अचानक से तुम्हारा टोन क्यों बदल गया? तुम्हें मुझे ज्ञान की बातें क्यों बोलने लगी? क्योंकि मुझे लगता है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया हमारे पास्ट के बारे में। तुम प्रेग्नेंट हो और मैं एक डॉक्टर, इस नाते मुझे तुम्हारी केयर करनी चाहिए। Really? या फिर ये कहो कि तुमने अपनी हार एक्सेप्ट कर ली है। तुम्हें विश्वास है कि पृथ्वी सिर्फ मुझे डिजर्व करता है, बिकॉज आई एम दी बेस्ट। तुम्हें मुझे देख के अपनी हार का एहसास होता है। यू जस्ट जेलस ऑफ मी। शर्लिन, प्लीज ग्रो अप। तुम बच्चों की तरह बात करना प्लीज बंद करो। मैं बच्चों की तरह बात कर रही हूँ? बच्चों की तरह बात तुम कर रही हो, क्योंकि तुम्हें एहसास हो गया कि तुम जो पृथ्वी के साथ थी ना, इट वॉज अ मिस्टेक। तुम थी, उसके बाद वो तापसी थी, और तुम दोनों तो वो एक साल में आके चले भी गए, लेकिन मैं पृथ्वी के साथ आज तक हूँ, उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एंड यू आर सिंपली जेलस। शर्लिन, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, तुम अपना नेक्स्ट अपॉइंटमेंट किसी और गायनिक से ले, क्योंकि आई थिंक तुम मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं। या फिर ये कहो कि तुम कंफर्टेबल नहीं हो, दैट्स व्हाई यू वांट मी टू चेंज माय गायनिक। हार एक्सेप्ट नहीं कर पा रही ना, एनीवेज टेक केयर। क्या कह रही है? अच्छा जैसा है ना वैसा ही छोड़ दे, मैं आके ठीक कर दूंगी। समझ में आ गया ना तुझे? ठीक है माँ। अब आपकी तबीयत कैसी है? अब तबीयत ठीक है, वैसे भी उसने सारे टेस्ट करे ना, तो मुझे इतना चक्कर आ रहा था, तो उसने कहा कि आपकी दवा खा लो। दवा खाइए ना, तो थोड़ा से चक्कर कम हो गया, अब अच्छा लग रहा है। चल घर चलते हैं। माँ सुनो ना, मैं क्या बोल रही थी, आधे घंटे की तो बात है, आधे घंटे में हमें रिपोर्ट भी मिल जाएंगी, तब चलते हैं साथ में। आधे घंटे तक इंतजार कैसे कर सकते? अरे आधे घंटे में तो सारा अचार खराब हो जाएगा ना आम का। क्या अचार? हाँ आम का अचार, वो मैंने आम काट के रखे थे ना, वैसे भी सीजन का आखिरी समय चल रहा है, तो आम काट के मैंने छत पे रखे थे, और मैंने जानकी से कहा भी था कि तू ना आम समेट कर रसोई में रख देना, मैं खुद आऊंगी अपने हाथों से मसाला डाल के ना आम का अचार बनाऊंगी, लेकिन उसने गीले हाथ लगा दी। अब गीले हाथ लगा दिए तो मेरा आम का अचार तो खराब हो जाएगा ना, अगर मैं पहुंची नहीं ना तो पता नहीं वो क्या क्या कर देगी। वैसे भी घर में कुछ सुनता तो है नहीं मेरी, सब अपनी मनमानियां करते हैं, इसलिए मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी। कैसे क्यों मुस्कुरा रहे? वो कभी कभी आप बहुत बच्चों जैसी बातें करते। मैं काम करती हूँ, मैं आपके साथ घर चलती हूँ, चलिए। रुक जा। अरे अब तुझे जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? तूने बुलाया ना इसे? हाँ अब वो आई है इतनी दूर से अपने घर से, और उसने डॉक्टर से कहा भी कि जरा टेस्ट जल्दी करवा दो और रिपोर्ट भी जरा जल्दी दे दो, उसकी माँ की बात है, उसकी बात तो रहनी चाहिए ना, क्या सोचेगी वो। तो एक काम कर, तू रिपोर्ट लेकर घर आ जाना, मैं अपने आप चली जाऊँ। ठीक है माँ, लेकिन आप ऐसा करिए, बाहर ड्राइवर और गाड़ी दोनों है, वो आपको घर छोड़ देता है। नहीं मैं नहीं, नहीं, आप गाड़ी में ही जाइए ना प्लीज, मुझे चिंता नहीं होगी फिर। नहीं नहीं इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं ऑटो पकड़ लूंगी बेटा, तू मेरी टेंशन मत लिया कर, ठीक है? अपना ध्यान रखा कर। और आप अपना ध्यान रखना, ये छोटे मोटे आम वाम के स्ट्रेस मत लो। अच्छा तू अपना ध्यान रखना, और जब भी टाइम मिले ना घर आ जाना, बहुत सारी बातें करनी है तेरे साथ। ठीक तू भी आ जा घर, आ जाना। गई आज तो, मैं गई आज तो, मतलब
मम्मा मेरे घर पे इतनी केस लेने वाली ना कि मैं क्या बताऊं। दी अगर आपको मेरा चेहरा कहीं भी सूजा हुआ दिखाना तो समझ जाना कि मम्मा ने मेरी जम के कुटाई की है। सूजे हुए चेहरे में प्रॉब्लम क्या है वैसे? अच्छा लगता है प्लम प्लम। यार आप कैसे बातें कर रहे हो दी। अच्छा ये सब छोड़ो, चलो ना वो डॉक्टर रोशनी के कैबिन में चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है। हाँ और ये सब काम भी फटाफट करके घर जाना है, क्योंकि घर में वो तैयारियां चल रही है ना शलिन की गोद भराई की। राखी माँ अकेले सब कुछ कर रही होंगी, मुझे भी जाना है, जल्दी चल। कितने बजे आ रहे हैं आप? प्लीज जल्दी आने की कोशिश कीजिए ना, और आपको कलर तो याद है ना? ठीक है जल्दी आइए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। भाभी आपने वो बड़ा वाला रूम खाली करवा दिया? जी दीदी, क्योंकि वो कमरा मैं ऋषभ शर्लिन और उसके होने वाली बेबी के लिए रेडी करवा रही हूँ। आज तो इनफैक्ट इंटीरियर डिजाइनर भी आ रहा है और पेंट करवा रहे हैं कमरा। पेंट? इतनी जल्दी? इतनी जल्दी कहाँ दीदी, उसके बाद बहुत सारे काम हैं। बच्चे के लिए विंड चाइम्स लेने हैं, खिलौने लेने हैं और क्रेडल भी तो लेना है दीदी। लूथरा खानदान का पहला बच्चा जो आ रहा है, मैं इतनी खुश हूँ मैं बता नहीं सकती, और ढेर सारे काम है, मैं तो चली काम करने के लिए। कितनी खुश है भाभी? खुश तो मैं भी बहुत हूँ, मेरे ऋषभ का बेबी आ रहा है। मैं तो बेबी को बहुत स्पॉइल करूंगी। I'll spoil him rotten. पृथ्वी चलो। क्यों? क्योंकि मैंने कहा। अरे पर मजाक क्या है? पृथ्वी, I would suggest next appointment किसी और गायनेक से ले लो प्लीज। क्यों डॉक्टर? Don't tell me. कुछ कॉम्प्लिकेशंस है क्या? कोई सीरियस मैटर है क्या? है। क्या? जेलेसी है। हम दोनों साथ में है ना, इसलिए इसे जेलेसी होती है। शर्लिन तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पास्ट को पास्ट में ही क्यों नहीं छोड़ देती तू? मेरी प्रॉब्लम क्या है? प्लीज ऐसे बिहेव मत करो जैसे तुमने कुछ नहीं किया। अंदर तुमने ही कहा था ना कि तुमने कुछ ज्यादा ही पर्सनल बातें कर दी, तुम मुझे छेड़ रही थी, तुम मुझे प्रवोक कर रही थी। अब ऐसे बिहेव करो जैसे कि कोई सेंट हो। शर्लिन वो मैंने इसलिए कहा था ताकि मैं तुम्हें काम डाउन कर सकूं। तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं। एंड पृथ्वी तुम प्लीज इसकी बहुत केयर करो, जितना हो सके इसे प्यार दो। करता हूं, देता हूं। इसको स्ट्रेस लेने मत दो, आई थिंक ये तुमको लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। प्रीति अगर तुम्हें यहाँ पर खड़े हो किससे बातें करनी तो तुम करो, मैं चली। तो मैं कहाँ बातें कर रहा हूँ इनके साथ? पृथ्वी I have to clear this. मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है। पता नहीं शर्लिन को क्या हो गया। डॉक्टर रोशनी, मेरी जिंदगी में रोशनी डालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। And for your kind information, मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुका और मेरा टेस्ट भी चेंज हो गया है। You know what? At present, मेरी लाइफ में एक नहीं दो नहीं तीन तीन लड़कियां हैं। और अगर गलती से तुम ये कह देती ना कि आज की डेट में प्रेजेंट तुम भी मुझ में इंटरेस्टेड हो तो तुम चौथी होती, जिसके बाद मेरा चौथा हो जाता। ये अभी क्या 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 क्या? हेलो डॉक्टर, अब बाहर दो प्रेग्नेंट लेडीज आई है, उनको अंदर भेज दूं? सिस्टर गिव मी जस्ट टू मिनट्स, जितने भी पेशेंट की डिटेल है आप मेरे लैपटॉप में फीड कर दीजिए, ठीक है? श्योर मैम, थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर प्रीता, ये आपकी मदर की रिपोर्ट आ गई है। ओह थैंक यू। दी सब ठीक तो है ना? डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। डॉक्टर रोशनी? अब वो तो नहीं है, मैं उनकी असिस्टेंट हूँ, मैं हेल्प यू। वो अभी यहाँ जो पेशेंट आए थे ना डॉक्टर रोशनी से मिलने, पेशेंट आए थे या उनके कोई फ्रेंड थे? नहीं मैम, एक्चुअली यहाँ पे पर्सनल विजिटर्स अलाउड नहीं है, पर हाँ अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर ने कपल को अटेंड किया था। उस कपल में से वो जो लेडी थी क्या वो प्रेग्नेंट थी? हाँ, और वो लोग अभी अभी बाहर गए हैं, अगर आप लोग अभी जाएंगे तो शायद आपको वो मिल भी जाए। ओके ठीक है, तो बाहर ही मिल लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। श्योर कि बकड़ बिला फिर हाथ से निकल गया? यार जब भी हम इसका पीछा करने की कोशिश करते हैं ये गायब कहाँ हो जाता है और हम देखते रह जाते हैं। जब भी हमें इसके बारे में कुछ पता चलने वाला होता है या इसका कोई राज खुलने वाला होता है ये ऐसे चीज़ें से हाथों में आके ऐसे फिसल जाती है। एक तो हमें सच का पता नहीं चलता और जब सच का पता चल जाता है तो हम उसका सबूत नहीं ढूंढ पाते।
अच्छा ठीक है, तू शांत हो जा। वैसे अभी तो हमने सिर्फ पृथ्वी को देखा है, अब उसके आगे का सच क्या है हमें पता लगाना, अंदाजे से ही बोल रहे हैं ना अभी तो। यार आप ऐसे क्यों बातें कर रहे होती, आपको क्या लगता है मैं गलत सोच रही हूँ? मैं ऐसा नहीं। अच्छा ठीक है, तू बता क्या कहना चाहती। अरे बहुत ही सिंपल सी बातें दी, ये आपको भी पता है कि कृतिका प्रेग्नेंट नहीं है, और ये डॉक्टर रोशनी पृथ्वी की कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं है, और ना ही पृथ्वी यहाँ पे कोई विजिटर बन के आया। पता है ना वो असिस्टेंट ने क्या बोला कि यहाँ पे विजिटर्स अलाउड नहीं है। इसका मतलब साफ है, पृथ्वी यहाँ पर किसी को डॉक्टर को दिखाने लाया था, ओके? और उस असिस्टेंट ने भी बोला कि यहाँ पे कोई कपल आया था। इसका मतलब पृथ्वी के साथ कोई प्रेग्नेंट लेडी आई थी। अभी आप ही मुझे बताओ, कृतिका तो प्रेग्नेंट है नहीं, तो उसके साथ कौन आया होगा? क्या हो गया आप कुछ? क्या हुआ बेबी? Are you okay? कुछ नहीं, चक्कर आ गया। यहाँ देखो, मुझे देखो, तुम क्यों इतना स्ट्रेस लेती हो यार? डॉक्टर की बात को सीरियसली ले लिया? Yes. मुझे लेकर इनसिक्योर होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूं। सिर्फ तुम्हारा। Promise? Promise. शल पृथ्वी के साथ? अरे कोई नई बात थोड़ी ना है, इन दोनों पे शक हमें पहले से ही था दी। हाँ लेकिन पहले हमें शक था, और आज इन दोनों के साथ देखकर यकीन हो गया। तुझे याद है ना शालिन की शादी ऋषभ जी से क्यों हुई थी? वो इसी बेसिस पे हुई थी कि शालिन प्रेग्नेंट हो गई थी। शालिन ने कहा था कि वो ऋषभ जी के बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन अब पृथ्वी और शालिन को यहाँ देखकर ऐसा लगता है कि वो झूठ बोल रही थी। उसके पेट में ऋषभ जी का बच्चा नहीं है, दी। देखो अगर पृथ्वी शालिन को हॉस्पिटल में ले आया है तो हमें काम करना चाहिए, हमें जाके डायरेक्टली डॉक्टर रोशनी से बात करनी चाहिए। क्या पता हमें कुछ ऐसी चीज या ऐसी खबर मिल जाए जो हमें पहले नहीं पता। दी देखो आपको तो पता है ना वो नक्कटी डायन कैसी है, बाजी पलटने में एक्सपर्ट है वो। Yeah. अगर हमने ये बात किसी के सामने कन्फेस भी कर ली कि हमने इन दोनों को हॉस्पिटल में देखा था, तो वो डायन तो सबको झूठी बोलेगी कि हाँ मैं थोड़ी सी बीमार थी और पृथ्वी मेरी हेल्प करने आया था, इसलिए हम दोनों हॉस्पिटल में दिखे। जी मैं बता रही हूँ, इस बार हमें इनको बाजी पलटने का मौका देना ही नहीं है, और ना ही झूठ बोलने का मौका देना है। वो जो पेशेंट अभी डॉक्टर के पास आई थी, क्या आप उनका फॉर्म दिखा सकते हैं? बस एक बार देख लेंगे हम और चले जाएं। सॉरी, हम ऐसे किसी पेशेंट की डिटेल्स किसी को शेयर नहीं कर सकते, इट्स कॉन्फिडेंशियल। क्या हो रहा है यहाँ पे? डॉक्टर एक्चुअली पहले भी आ चुकी है और यहाँ पर आकर मुझसे वो, एक्चुअली मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ डॉक्टर, वो आपके पास अभी एक पेशेंट आई थी शर्लिन, मुझे एक बार उसका फॉर्म देखना है जो उसने आपके पास सबमिट किया है। मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। बेसिकली मेरा नाम प्रीता लूथरा है, मैं लूथरा फैमिली की बहू हूँ, और मेरी सिस्टर इन लॉ मेरी ननद कृतिका लूथरा है जिसकी शादी होने वाली है, और शर्लिन हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। आप प्लीज़ मुझे एक बार उसका वो फॉर्म दिखा दीजिए, मैं वो फॉर्म अगर उसकी एक पिक्चर ले लूंगी तो मैं अपने परिवार को बहुत बड़े धोखे से बचा सकती हूँ। देखिए आप क्या बोल रही, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे बहुत अर्जेंट काम है। अच्छा ठीक है, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बताती हूँ, शर्लिन लूथरा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, वो भी उस इंसान के साथ जिसकी शादी मेरी ननद कृतिका के साथ होने वाली है। इसीलिए मैं उस फॉर्म की एक फोटो चाहती हूँ कि आप मुझे एक पिक्चर दे दें ताकि मैं अपनी फैमिली के मेंबर्स को बर्बाद होने से बचा लूं। इट्स जस्ट इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता है। शर्लिन अपने हस्बैंड को लेकर बहुत पॉजिटिव है, बहुत प्यार करती है उससे, कॉलेज के दिनों से जानती हूँ मैं उन्हें, वो ऐसा कर ही नहीं सकती, वो अपने हस्बैंड को धोखा नहीं दे सकती। एक मिनट डॉक्टर, आप अपने कॉलेज फ्रेंड की साइड ले रही है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूँ अगर वो अपने पति से इतना ही प्यार करती है
तो वो पृथ्वी के साथ आपसे मिलने क्यों आई? क्योंकि वो उसका हस्बैंड है। What? मैं कॉलेज के दिनों से उनको जानती हूँ। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। They are like made for each other। इसलिए उन दोनों ने शादी कर ली। शादी कर ली? हाँ। कब करी? आपसे ये किसने कहा? खुद शर्लिन ने। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले वो दोनों साथ ही बाहर गए। यही तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। शर्लिन की शादी पृथ्वी से नहीं हुई है। पृथ्वी शर्लिन का पति नहीं है। समाज के सामने शर्लिन लूथरा ने ऋषभ लूथरा से शादी की है, जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं। ये पृथ्वी शर्लिन का पति नहीं है डॉक्टर, और ऋषभ लूथरा एक बहुत अच्छे इंसान है, बहुत डिसेंट इंसान है, और शर्लिन उनके साथ धोखा कर रही है। देखिए प्लीज आप मुझे उसके फॉर्म की एक फोटो दे दीजिए। मैं अपनी फैमिली में दिखाऊंगी, और मैं बहुत बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा, वरना मैं वो सब होने से रोक सकती हूँ। देखिए अगर आप मेरा साथ नहीं देंगी तो आप शर्लिन के बारे में भले ही भूल जाइए, मेरे परिवार के बारे में भूल जाइए, वो बच्चा जो अभी पैदा भी नहीं हुआ उसको भी अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं पता चलेगी। आप ऐसा तो नहीं कर सकती है ना? आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरे साथ लूथरा हाउस चलिए और सबके सामने ये बोल दीजिए, या मैं किसी को बताऊंगी भी नहीं कि मुझे ये पिक्चर मिली कहाँ से, लेकिन आप प्लीज मुझे उसके फॉर्म की एक फोटो दे दीजिए ताकि मैं अपने परिवार को तहस नहस होने से बचा सकूं। मैं सबूत दिखा दूंगी ना तो सब लोग मान जाएंगे, और शर्लिन भी वो बहुत झूठी है, वो कोई ना कोई कहानी इंस्टेंटली बना लेती है, वो नहीं बना पाएगी। प्लीज ओके, आई विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच। मैं पिक्चर्स देती हूँ। मैं ले रही। क्या हुआ? हाथ छोड़ो बेबी। खुल्लम खुल्ला हाथ पकड़ के प्यार करने का सफर यहीं पे खत्म होता है। क्यों? क्योंकि हम लूथरा हाउस एंटर करने वाले हैं। तुम भूल गई क्या? हम एक साथ नहीं देख सकते हैं। हमें यहाँ पर देखने वाला कोई नहीं है। कौन है? सीसीटीवी कैमरास। मुझे तुम्हें बार बार बताने की जरूरत क्यों पड़ती है कि हम एक साथ नहीं देख सकते? अगर किसी ने हमें एक साथ देख लिया, वो भी इस तरह से हाथ पकड़ के खुल्लम खुला प्यार करते हुए, तो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे हम। आई डोंट केयर। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, स्पेशली अब जब हमारा बच्चा होने वाला है। क्या हो जाता है बार बार? क्यों ऐसे बिहेव करती हो तुम? तो ये फोन बार बार क्यों भूल जाती हो तुम? हमारा मकसद ये बचकानी हरकतों की वजह से ना हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। यहाँ तक पहुंचने के लिए हमने कितनी मेहनत की, कितनी मशक्कत की है, वक्त के साथ साथ कितना कुछ दांव पे लगाया है हमने, भूल गई? ये सारी गलती हम नहीं कर सकते, हम एक साथ नहीं देख सकते बेबी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है, हम एक साथ है, हमारा अफेयर है, ये सिर्फ हमें पता ही है, हमारा सीक्रेट है और किसी को नहीं पता है, हम नहीं किसी को बता सकते। ओके फाइन। लिसन, तुम जाओ अंदर, तुम्हारे 5 मिनट बाद मैं आऊंगा, ताकि किसी को पता ना चले, किसी को भनक ना लगे कि हम एक साथ बाहर गए थे या फिर एक साथ वापस आए। करेक्ट। ये छोटा पृथ्वी मल्होत्रा मुझे क्यों दे गई? मामी जी ये देखिए, ये सारी ज्वेलरी मैंने शर्लिन के लिए खरीदी है, कैसी लगी आपको? वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत है। और ये रूबीज और पर्ल की कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे लग रही है। हाँ, सच में बहुत अच्छे लग रहे हैं। अरे शर्लिन आ जा पुत्र। आ गई? आ जा, तेरे लिए सरप्राइज है, बैठ बताती हूँ। ये देख, ये सारी ज्वेलरी, ये सब सब कुछ तेरे लिए। ये सब मेरे लिए? हाँ पुत्र, तूने इतना बड़ा काम किया है, करण को घर वापस ले आए, ये तो कुछ भी नहीं है पुत्र। शर्लिन, मामी जी बिल्कुल सही बोल रही हैं। तुमने अकेले ही इतना बड़ा बोझ अपने सर पे ले लिया, चुपचाप जीती रही, किसी को कुछ नहीं बताया, डॉक्टर का बहाना करके मेघा से मिलती रही ताकि वो सच बोले, और उसने बोला भी। इतनी टेंशन, सब कुछ तुमने अकेले संभाला, थैंक यू।
तुमने मेरी ज्वेलरी चुराई, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात कहूं, अगर मांग लेती ना तब भी मैं दे देती, क्योंकि तुमने ये जो कुछ भी किया मेरे करण को बचाने के लिए किया, बहुत बड़ा उपकार किया हम पे। मैं और कुछ करूं या ना करूं, इतना तो कर ही सकती हो ना, तो ये सारी ज्वेलरी हमारी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, ये देखो। और ये मत सोचना कि ये गोद भराई का शगुन है, गोद भराई में तो और भी देंगे, तो कुछ नहीं है पुत्र। लेकिन मैं ये नहीं ले सकती। पगड़ी, हमारा आशीर्वाद समझ के ही ले लो, ये सब तुम्हारे लिए है। देखो तो। मैंने सच में पिछले जन्म में बहुत अच्छे पुण्य किए होंगे, इसलिए मुझे इतना अच्छा परिवार मिला। तुमने मेरे करण को बचाया और अब लूथरा खानदान का पहला बच्चा भी तो आ रहा है, मेरी पोती आ रही है। पोती? हाँ हाँ, हमने तो मान लिया है कि पोती आ रही है, मैंने तो नाम भी सोच लिया। कैसे लगा तुम्हें ये सेट? ये देख, ये वाली, ये वाला देख, ये बहुत सुंदर। ये देखो, ये मेरी सास थी और ये मेरी दादी सास, लेकिन प्रीता ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, वरना मैं भी एक बहुत अच्छी बहू बन सकती थी।